सो क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ अब हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर फाइव कुछ ये है, इनमें से किस शख्सियत ने आर्मी म्यूजियम लाहौर का इफ्तिताह किया था? इमरान खान, जनरल फैज हमीद या जनरल कमर जावेद बाजवा? जी हाँ, तो लॉजिकल सा सवाल है, लाहौर का जो आर्मी म्यूजियम है, बाय द वे बहुत ही खूबसूरत है, आई होप कि आप लोगों ने जाके चेकआउट किया होगा, इट इज़ रियली क्वाइट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली मेड, एंड उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी किया हुआ है, आई गेस क्योंकि आर्मी के अंडर आता है तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से, और बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं, लिटरली लाहौर में तो वो एक पिकनिक स्पॉट टाइप भी बन गया है। आर्मी म्यूजियम लाहौर लोकेटेड है लाहौर में, डॉक्यूमेंटिंग मिलिट्री हिस्ट्री जो है पाकिस्तान आर्मी की, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में। अब अगर 2017 में हुआ था तो लॉजिकली सोचे कि किसने इसको आके इसकी इफ्तिताह की होगी। म्यूजियम जो है ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन है मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स का पूरी मुल्क में। ये कलेक्शन जो है ये हाईलाइट करती है मिलिट्री हिस्ट्री पाकिस्तान की 16वीं सदी मुगल एम्पायर से लेके आज तक, मतलब आज के पाकिस्तान तक की। तो म्यूजियम ग्राउंड्स, मैंने कहा बहुत से वॉर मेमोरियल्स हैं, और बहुत से जो हमारे फॉलन सोल्जर्स हैं, जो हमारे गाजी हैं, हमारे शहदा हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करता है। आइए जवाब की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। ये तो खैर मुझे भी पता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ताकी थी। 5148 लोगों ने सही जवाब दिया, ग्रेट जॉब गाइस, वेल डन वेल डन।